पहले जो माता थी वो निर्माता हुआ करती थी, जो बच्चे थे उनसे पहले उनकी माता का नाम लिया जाता था, कौशल्या नंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण। तो क्यों? क्योंकि माता पहले निर्माता हुआ करती थी, माता अपने बच्चे का पहले से निर्माण करती थी, उसको स्कूल से पहले माता पूरे शिक्षा दे दिया करती थी। अब माताएं फोन दे देती हैं कि रोएगा चल ये वाला फोन पकड़ ले, तो गलती तो माता पिता की खुद की है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजें तो एटलीस्ट सिखाएं। एक बच्चा जो 3 साल का मदरसे जा रहा है उसको पूरी आयतें याद है, कि आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को भी गीता के 10 श्लोक तो कम से कम आने चाहिए? एक श्लोक तो आना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कितने श्लोक है एग्जैक्टली गीता में, कितने अध्याय है। उसको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि कितनी पुस्तकें धर्म ग्रंथ है हमारे कितने हैं, उसको ये भी नहीं पता। और माता जनवाना भी नहीं चाहती क्योंकि उसको मॉडर्न बनाना है अपने बच्चे को। अरे छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए, भगवान के सामने हाथ जुड़वाइए, खाना जब खाए उससे पहले हाथ जुड़वाइए, बताइए कि जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वो उस ईश्वर की वजह से है, ये बताइए उसको। संस्कार तो माता पिता ही देंगे और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। अगर बच्चा किसी और दिशा में जा रहा है, जब बच्चा बड़े होकर लव जिहाद के चक्कर में फंसता है, लड़की जब लव जिहाद के चक्कर में फंसती है तो आपको वो बुरी दिखाई देती है। तो आपने कौन से ऐसे संस्कार दिए उसको? कब गार्गी बनाने की कोशिश करी, कब अपला बनाने की कोशिश करी, कब गायत्री बनाने की कोशिश करी? आपने नहीं करी आपने कभी भी कोशिश, और आप आज कह रहे हो कि वो लव जिहाद के चक्कर में फंस रही है।